आपको दिखा? एक सेकंड, ये देखो। हाय, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ऐसा ऐसा कर रही हूँ ना, पूरा एकदम गिर रहा है, ये देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं फिर से और एक फेमस वाला, बहुत फेमस वाला मीशो का मेकअप किट यूज करने वाली हूँ, मतलब रिव्यू करने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये मेकअप किट कैसा होगा। ये देखो, मेरे पास ये बॉक्स भी आ चुका है और इसका प्राइस है ओनली 268 रुपीज़। लेकिन अभी मैंने देखा कि थोड़ी बहुत शायद उसका प्राइस है वो बढ़ गया है, लेकिन वो अंडर 300 ही है। अब देखो, ये वाला मेकअप किट मैंने ऑर्डर किया है जिसमें टोटल 17 मेकअप आइटम्स हैं, ठीक है। आई थिंक कि ये जो मेकअप के ब्रशेस है ना, इसको मिला के शायद 17 होगा। चलो भी इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, इतनी सस्ती मेकअप किट भी होती है ना, अगर मीशो ना होता तो मैं कभी नहीं जान पाती। तो सबसे पहले तो इस बॉक्स के अंदर से ये बाहर आया है, जो कि एक मेकअप के ब्रशेस का सेट है जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 तो हो। ये वाला बहुत ही क्यूट सा, छोटू सा, ठीक ठाक ही लग रहा है अभी तक। देन मुझे मिला है एक फाउंडेशन, लिक्विड मेकअप फाउंडेशन, और ये ना सन प्रोटेक्शन भी देता है, फ्लॉलेस लुक देता है। इस कार्डबोर्ड का बॉक्स देख के तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है अभी तक। तो है, इसमें से निकला ये वाला फाउंडेशन जो 24 आवर्स वेटलेस फाउंडेशन है, और ये ना बिल्कुल वो जो 100 रुपए वाला लैक्मे का फाउंडेशन मिलता था ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड, इसके अंदर ना एक स्पैचुला भी है। स्मेल तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी बहुत ना मुझे वो चीप टाइप का लग रहा है। इतना भी बुरा नहीं है, मतलब बैंगन जैसा नहीं है, ठीक है, बैंगन। तो इसके बाद मुझे मिला है एक मस्कारा, वाटरप्रूफ लिक्विड मस्कारा। ओह माय गॉड, मतलब आपको इसमें एक वाटरप्रूफ मस्कारा भी मिलता है। ये ग्लास बॉटल भेज दिया है उन्होंने, पता नहीं, देखो पूरा एकदम जो बचपन में हम खरीदते थे ना, एकदम मिलता जब नहीं था तो उस टाइम पे मेले में जो मिलता था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे। हाँ? छी ससुर, लेकिन मुझे ना कुछ वो अगरबत्ती जैसा ही लग रहा है, ठीक है, अगरबत्ती का स्मेल था। तो अभी इस बॉक्स के अंदर मुझे मिलता है ये बबल रैप किया हुआ बहुत सारा मेकअप। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। ओके, तो मुझे मिला है एक लिप लाइनर ADS का। इसका कलर तो काफ़ी सही लग रहा है, देखो पूरा रेड कलर है। ओह वाओ, कॉलेज के टाइम पे ना मैं ADS का कुछ काजल और लिप लाइनर यूज़ करती थी, मुझे अच्छा लगता था। देन मुझे मिला है एक प्री साइजन। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। लिक्विड आई लाइनर, ओके। तो इसको मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है, देखो पूरा प्लास्टिक का रैप किया हुआ है इसमें। तो ये भी वाटर प्रूफ एक आई लाइनर है। इसको यूज़ करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इसको इससे पहले यूज़ करते हुए देखा है। तो यहाँ पे मुझे मिला है एक छोटू सा आई शेडो पैलेट। हेलो, के बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ओ है बोल। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी, मुझे मिला है एक बहुत ही छोटू सा आई शेडो पैलेट। इसको, इसका कलर देखो पहले आप, कितना लग्जूरियस टाइप का लग रहा है ना वो, पता नहीं इसमें से क्या निकलेगा। चलो इसको ओपन करते हैं जल्दी जल्दी। देखा कि इसके अंदर से भी बैंगन निकला। छोटू सा आई शेडो पैलेट, इसको भी ओपन करके देखते हैं, ये वाला बॉक्स। वाओ गाइस, देखो वो कितने सारे आई शेडो के कलर्स हैं। हाँ, स्मेल भी काफी अच्छी है गाइस। ओहो, ब्रश तो गिर गया नीचे। तो इसके साथ मुझे मिला है एक छोटू सा स्पंज एप्लीकेटर। तो इसमें ना टोटल 18 शेड्स है और सिर्फ दो ही कलर ऐसा है जो कि मैट है, और बाकी सब शिमर पार्टिकल्स है। ओके, इसके बाद है मार्क लाइन का स्मूथ एंड ब्राइट कॉम्पैक्ट पाउडर। दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है अभी तक, इसको ओपन भी करते हैं। वाओ, देखो एकदम पैकिंग शेकिंग करके आया है, होलोग्राफिक लुक भी है। वाओ वाओ, इसके साथ एक छोटू सा मिरर भी है जो बड़ी काम की चीज़ है। इसको तो मैं यूज़ करूँगी, अगर पाउडर को यूज़ ना करूँ या ना करूँ। देखो एक शेड मिला है जो बिल्कुल पिंक अंडरटोन का लग रहा है। उतना भी खास नहीं है कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है काजल, इसमें ना विटामिन ई भी है ऐसा लिखा हुआ है। को ये रहा वो काजल का रूप, मैं आपको यहाँ पे स्वच करके दिखाती हूँ। जेट ब्लैक लग रहा है, लेकिन देखो गाइस इतने की इसकी कलर्स देखो, अभी गिर जाता मेरे हाथ से, अभी गिर जाता तो ना एकदम भयंकर दुर्घटना घट जाती।
दोनों कलर ही सेम टू सेम लग रहा है मुझे, कहीं से भी कोई फर्क नहीं है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मुझे मिली है ना वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे मिला है दो लिपस्टिक्स। अब देखो इनके कलर्स, मैं आपको कलर्स भी दिखाती हूँ। ये देखो, एक पिंकिश टोन में है और एक थोड़ा सा मरूनिश साइड में है, लेकिन मुझे काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। जो नए नए लिपस्टिक्स होते हैं ना, दिखने में ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। स्मेल तो काफी अच्छी है गाइस। इसकी कलर्स को मैं आपको दिखाती हूँ स्वच्छ करके। ये था पिंक और ये है मरून कलर। और साइट पे ऐसा मेंशन था कि ये ना पार्टी वेयर का मेकअप किट है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें ना एक लिक्विड सिंदूर भी दिया है। इसको तो मैं यूज नहीं कर सकती, पता नहीं इसको मैं कैसे क्यों यूज करूंगी। शादीशुदा तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इससे शादीशुदा बन सकती हूँ। गाइस तो फाइनली वो वक्त आ गया है जब मैं अपने फेस में मीशो के चीपेस्ट प्रोडक्ट से मेकअप करने वाली हूँ। गाइस इस मेकअप किट के अंदर ना मुझे कोई भी मॉइस्चराइजर या प्राइमर नहीं मिला, इसलिए ही मैं अपने फेस में अलग से गुलाब जल छिड़क रही हूँ। इसके बाद मैं एक अच्छे ब्रांड का मॉइस्चराइजर भी लगा रही हूँ ताकि मेरे फेस अच्छा रहे। तो सबसे पहले मैं इस फाउंडेशन को लगाऊंगी। हाँ, स्मेल काफी अच्छा है गाइस। ये तो पूरा गायब ही हो गया, खत्म। मतलब फाउंडेशन लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लग रहा है। देखो इधर ना अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हुआ। इस बार ना मैं थोड़ी ज्यादा ही लगा रही हूँ कि वो जो कवरेज है मुझे थोड़ी बहुत तो मिले ना। थोड़ी बहुत लग रहा है, लेकिन मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं ना तो बहुत ज्यादा ही बुरा लगेगा आपको। ओह माय गॉड यार, ब्लेंड हो जा अच्छे से। इस फाउंडेशन की जगह अगर मैं कोई फेस पैक भी ऐसे लगाती ना, अब तक तो ब्लेंड हो ही जाता, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। देखो यहाँ से गिर रहा है पूरा, ऐसा ऐसा कर रही हूँ ना, पूरा एकदम गिर रहा है। ये देखो, पहला प्रोडक्ट मेरे लिए बिल्कुल फ्लॉप रहा गाइस। मीशो पे जब मैंने देखा था ना, वहाँ पे 4.1 रेटिंग था इस मेकअप किट का, पता नहीं किसको अच्छा लगा। ये फाउंडेशन सुपर फ्लॉप होने के बाद मैं फिर से और एक बार ट्राई करूंगी, लेकिन इस बार ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं करूंगी, मैं अपने हाथों से ही ब्लेंड करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद मैं यूज करूंगी ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर, पता नहीं इसका क्या हाल होगा। ये देखो, ये मुझे इसके साथ एक छोटा सा पफ मिला है। इसकी क्वालिटी पहले वाली से बहुत अच्छी है। तो इस ब्रश के सेट में से मैं ये वाला यूज करूंगी अंडर आईज को अच्छे से क्लीन करने के लिए। वाओ, इसके ब्रिसल्स ना काफी सॉफ्ट है गाइस। वाओ, तो ब्लश के लिए ना मैं इन दोनों कलर्स में से एक कलर को यूज करूंगी, इसको ही करते हैं। वाओ, ये तो अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है। देखो, मुझे ना मिरर की भी जरूरत नहीं है, मैं कैमरे में देख के ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ। पता नहीं क्या है इस लिपस्टिक के अंदर, लेकिन इसका स्मेल मुझे काफी अच्छा लग रहा है अभी तक। तो गाइज, अभी मेरा सबसे फेवरेट वाला पार्ट आ गया, वो है आई शेडो। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने सारे शेड्स हैं। तो इसमें जो एप्लीकेटर मिला था वो गया कहाँ? ओके, अब भी घूम रहा था मेरे से फिर से। इसमें से मैं पहले तो ये ऑरेंज शेड लूंगी, क्योंकि मैंने ऑरेंज पहनी है, तो ऑरेंज यार ये कितनी ऑसम है यार। कि ये क्या था, आपको दिखा? एक सेकेंड, ये देखो पूरा पाउडर उड़ रहा है, और जो भी है इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ये वाला शेड, ये शिमरी टाइप का है थोड़ा सा, इसको यूज करते हैं। ब्लेंड करने में मुझे दिक्कत नहीं आई, तो इसको मैं 10 out of 10 दूंगी। गाइस, बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं ना ये स्केच आईलाइनर ही लगाऊंगी, काजल नहीं लगाऊंगी। इसको देखते ही मुझे प्यार हो गया था। ये लाइनर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। जो मेले में ठेले लेके बैठते हैं ना, वो वाला मस्कारा है ये, जो बचपन में मिलता था, मैंने देखा था, बहुत टाइम पहले की बात है जब मैं छोटी थी। ये कुछ ऐसा दिखता है जो ग्लास के बॉटल में है, वो बिरयानी में जो गुलाब जल देता है ना, उसके अंदर काला पानी मिला के ऐसे घोल के डाल दिया गया, मतलब काला पानी वाला केस है ये। ये सब क्या देखना पड़ रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आईलैशेस को ऐसे ब्रश कर रही हूँ, सिर्फ एक ब्लैक कोटिंग हुआ है ऐसा लग रहा है। गाइज मुझे इस किट में आईब्रो के लिए कुछ नहीं मिला, तो मैंने थोड़ी बहुत दिमाग लगाई। दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा कि ये जो मस्कारा है ना, इसी से अपने आईब्रोज को थोड़ी सी ब्रश कर लेते हैं। देखो तो थोड़ा बहुत ना ब्लैक लगेगा, ऐसा करते हैं लोग, मैंने देखा है। मुझे पता है आप लोग हंस रहे हो, लेकिन ऐसा होता है। आप देखो मतलब कुछ तो हुआ ना, देखो थोड़ी बहुत तो फर्क नजर आई। पूरा लग रहा है कि मैंने आईब्रोज को ना वैक्स के साथ ऐसे ब्रश किया है। वाओ वाओ। तो अभी मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, लेकिन उससे पहले लिप लाइनर भी मिला है मुझे, इसलिए मैं लिप्स को ना लाइन अप कर लेती हूँ। तो लिपस्टिक के लिए मैंने ये पिंक वाला चूज किया है। लेकिन अभी मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर। मुझे ना यहाँ पे एक शेड दिखा, देखो दो शेड है, एक यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डनिश और यहाँ पे कॉपर शेड का है, पर नहीं ये गोल्डन वाला ही लगाती हूँ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ी बहुत मैं नेक पे भी लगाऊंगी। अगर ऐसा मेकअप करके आप इस कड़ी धूप में बाहर जाओगे ना, तो एक मिनट भी नहीं लगेगा इसको मेल्ट होने में। बाकी तो आप समझदार ही हो, मुझे आपको समझाने की और जरूरत नहीं है। गाइज यही पे खत्म नहीं हुआ है, लास्ट और एक प्रोडक्ट भी बाकी है। पता नहीं इसको मैं यूज करूँ या ना करूँ, कर ही लेते हैं यार, एक ही बार तो वीडियो बनाऊंगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क लाइन के लिक्विड सिंदूर। यार बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं जो लिक्विड सिंदूर लगाती है। यहाँ पे एक स्वच कर रही हूँ इस लिक्विड सिंदूर का, काफी ज्यादा ब्राइट रेड है, मुझे तो इसे लिपस्टिक की तरह लगाना चाहिए था यार। तो जिंदगी में पहली बार मैं सिंदूर लगाने जा रही हूँ, किसी को बताना मत। हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो आज से मैं वो सीरियल वाली शादीशुदा औरत बन गई। क्या सिंदूर पहन के मैं अच्छी लग रही हूँ, बताओ, सच्ची बताओ। ये सिंदूर ना सूख गया है, देखो एक सेकेंड। फिर इसको मैं कैसे उतारूंगी यार, ये भी तो सूख गया है। घर में अगर किसी को पता चल गया तो समझेंगे कि मैंने शादी कर ली है चुपके से। गजब बेइज्जती है। गाइस बवाल होने वाला है, चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा देखना है। तब तक मैं चली, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।